इस घर में एक अजीब सा सुकून है ना वेदिका जी। क्यों? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ मुझे आपसे पहली बार प्यार हुआ था और जहाँ पहली बार हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। चलो अब रोमांस करना बंद करो, सो जाते हैं। पहले आप इतना सुंदर दिखना बंद कर दीजिए वेदिका जी, वरना ये रोमांस कभी बंद नहीं होगा। साहिल को देख लेगा। साहिल, अरे बीबी जी, मुझे आपकी मदद करनी। बीबी जी, आप पूरे परिवार का स्ट्रेस क्यों उठा रही है? मुझे आपके काम में हाथ बटाना है बीबी जी, प्लीज। साहिल, थैंक यू। माँ, माँ ये लीजिए, राशन का सारा सामान ला दिया हूँ, और अगर कुछ छूट गया हो तो बस एक कॉल कर देना, आपका दामाद हाजिर हो जाएगा। थैंक यू गुड्डू। आर्या सच में बहुत लकी है, उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। तुम बहुत अच्छे हो गुड्डू। थैंक्स मॉम। अरे अच्छा, वो मुझे याद आ गया, वरना मैं भूल जाती, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बतानी है तुम्हें। ये देखो, अटल पेंशन योजना, माया ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने खुद भी ये योजना ली है, बहुत अच्छी है ये योजना, और तुम इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें अभी से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और पता है इस योजना की सबसे खास बात क्या है? इसमें गवर्नमेंट भी तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करती है। Really? That sounds good. सब कुछ बदल रहा है, सरकार भी अभी हमारे बारे में सोच रही है। और तुम जानते हो आजकल तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे एक आम आदमी बिना किसी परेशानी के इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। कह सकते हैं कि नामुमकिन अब मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा आपने वेदिका जी। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि वेद और विराट के लिए ये योजना ले लेते हैं, क्या बोलते हो आप? थैंक यू माँ। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो बस बुला लेना। पक्का, बाय। दिखाइए। अरे गुरु प्राचीति के लिए दवाइयाँ। ऐसे मत देखो, रातों की नींद गायब हो जाएगी मेरी। कैसे? सो आज रात आओगी ना? फिर तुम्हारी वाइफ? मेरी कोई वाइफ नहीं है, अकेला रहता हूं मैं। ये गुड्डू किस लड़की से ऐसे बात कर रहा है? शादीशुदा होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकता है आर्या के साथ? घर पे आके मिल।
साले आर्या को धोखा दे रहा है कमीना। ऐसा नहीं है माँ, पता नहीं साहिल पापा को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, शुरू से ही मुझसे नफरत करते हैं। वो लड़कियों को मैं एड्रेस बता रहा था, वो झूठ मत बोल, कमर में हाथ डाल के एड्रेस बता रहा था। गुड्डू तुम घटिया किस्म का इंसान है, आर्या को धोखा दे रहा है वेदिका जी, साले कमीने। साहिल पापा ऐसा नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। अबे जैसी बात मत कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा घटिया किस्म के इंसान। साले साहिल 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 उसे बोलने का मौका दे दो प्लीज। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं, आपने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते थे कि आर्या मुझसे शादी करे, तो यकीन मानिए मेरा, मैं आर्या से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ चीटिंग करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे कैरेक्टर पे इस तरह कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं आप? और पूरे मोहल्ले को पता है कि आर्या मेरी वाइफ है, तो मैं किसी को ऐसा क्यों बोलूंगा कि मेरी कोई वाइफ नहीं। झूठ बोलना बंद कर गुड्डू, मैंने अपनी आंखों से देखा है कमीने साले, धोखा दे रहे आर्या को, वेदिका की धोखा दे रहे। शांत हो जाओ साहिल प्लीज। साहिल हम जानते हैं गुड्डू ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो। वेदिका जी मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, मैं अपनी आंखों से देखा वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, चलिए अपना अपना काम कीजिए, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या, निकलिए यहाँ से, चलिए चलिए निकलिए। प्लीज मेरी बात समझिए, मैं उसे एड्रेस बता रहा था और कुछ नहीं। जूस में खड़े आ गया साहिल, जैसे तू हमारा दामाद है वैसे ये तेरा दामाद है, कुछ तो इज्जत रख ले उसकी। हाँ मोहल्ले में इतना बवाल कर दिया, अरे ये मोहल्ले वालों को तो कोई ना कोई बात चाहिए हमारा नाम खराब करने के लिए। और फिर आर्या उसका भी तो नाम खराब हो रहा है ना, वो तेरी बेटी नहीं है क्या? बस कर मंजुला बस, साहिल ने जो देखा वही तो कह रहा है। अरे लेकिन इसे ये समझ, माँ प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। साहिल तुम अंदर चलो, साहिल अंदर चल के बात करते हैं प्लीज। साहिल समझा, आखिरी बार साहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। आप जानते हैं उसके बातों का बुरा मत मानना, शांत हो जा, शांत हो, उसे एड्रेस बता, समझ गए हम, चल चल घर चल। अब लगाना तीर निशाने पे। ये अग्रवाल शायद भूल गए थे कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन एक जादूगर है और साथ ही वो किसी के भी दिमाग पे काबू पा सकता है। वही तो किया मैंने इस गुड्डू के साथ और वो उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगा, पर बेचारा उसे कुछ याद नहीं रहेगा। साहिल अग्रवाल बहुत बड़ी भूल की है तूने, मेरी शक्तियों को भूलकर। तूने जो देखा बिल्कुल सही था, बिल्कुल सच था, लेकिन वो सच जो मैंने तुझे दिखाया था, इस परिवार से मेरा बदला इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ अपने घर से बाहर निकले, असली बदला तो अभी बाकी है। आज तक साहिल और वेदिका पे मैंने सीधा वार किया, लेकिन अब ये गुड्डू, इसकी पत्नी आर्या, ये बनेंगे मेरा शिकार। और साहिल और वेदिका, इन दोनों को तो मैं इतने जख्म दूंगा जो जिंदगी भर नहीं भर सकते। टूट जाएगा ये परिवार, बिखर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा गुड्डू के साथ साहिल, वो भी सबके सामने इस तरह? तुम्हारा दामाद है, वो भूल जाते हो क्या तुम? और बुरा लड़का नहीं है वो। वेदिका जी, जो मैंने देखा अगर आप देखती तो आप भी वैसे रिएक्ट करती जैसे मैंने किया। वो आर्या पे चीट कर रहा है, मुझे देख रहा था वहां पे। साहिल तुम आर्या के लिए इतने प्रोटेक्टिव होना, इसलिए शायद तुम्हें। वेदिका जी गुड्डू सही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से पास नहीं आया वेदिका जी, इस बार मैंने सिर्फ उसे चेतावनी दी है, लेकिन अगली बार इस साले को छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत मारूंगा। साहिल भगवान, अरे घोर कलयुग आ गया है भाई, अपने ही दामाद को खत्म करने की बात कर रहा है। माँ ये क्या कर रही हैं आप, हर चीज पे नमक मिर्च डाल के बात करना जरूरी होता है क्या?
हर बात का बतंगड़। कभी तो अपनी उम्र के हिसाब से रहा कीजिए। हमें अपने उम्र के हिसाब से खूब चलना आता है, लेकिन अपने ससुराल वालों को देख, इतना कुछ हो गया इनके साथ लेकिन दिमाग अभी भी सातवें आसमान पर है। तेरी वो बड़ी अम्मा, अरे उसी की पुरानी हरकतों की वजह से पूरा खानदान आज इस हाल में है। और तेरी वो ननद प्राची, अरे खिलस गए हैं हम तो इनके नखरे देख देख कर। ये क्या करें आप, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। इनका साथ देंगे हम। अरे ये देख, हमारे घर को होटल समझ रखा है। इतनी भी क्या गर्मी है कि दिन में दो दो बार नहाने की जरूरत है। सारा पानी खत्म कर दिया, अरे बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं बचा है। अरे कहाँ बोले जा रही हो, है? इस घर को होटल बोलना होटल का अपमान करने जैसा है। अब पानी का खर्चा किया है, कोई शहद नहीं बहाया है, कल सुबह आ जाएगा। आप दोनों को क्या हो गया है, हमारे घर में पहले से इतना कुछ चालू। आप दोनों साहिल प्लीज अंदर जाइए, प्लीज अंदर जाइए। देखिए जी, आपकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, आप ही संभालिए। आप एक काम करिए, मुझे दीजिए, आप दोनों अंदर चलिए मेरे साथ, आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। वेदिका जी आप साथ हैं तो सब ठीक है, बस आप ही है जिसने इस परिवार को जोड़ के रखा है, इसलिए तो उस गुड्डू पे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर वो हमारी आर्या को धोखा दे रहा है तो आई स्वेयर मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। अगर मेरे छोटा पैकेट का दिल टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रही हो और मुझसे चिपक क्यों रही हो? तुम हो ही इतने स्मार्ट, कोई तुमसे कैसे दूर रह सकता है? कल तो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, आज घर भी तो बुलाया था, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं किसी लड़की को क्यों बुलाऊंगा? और मैं किसी लड़की से फ्लर्ट नहीं करता, ओके? मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, ओके? और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, ओके? मैं उसके साथ चीटिंग कर सकता, प्लीज तुम यहां से छोड़ो ये सब। क्या बीवी बीवी लगा रखा है? और कौन सा तेरी पत्नी यहाँ है? जब तक वो यहाँ नहीं है साथ ही मजे करते हैं। देखो प्लीज तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई नहीं देखेगा। जो मुझे देखना था आप ऐसे जाइए। I'm very sorry. साहिल पापा, ये लड़की जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ यहाँ पे। और दूर चली जाओ यहां से, अगर दोबारा इस शहर में दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आएगा मजा, बेचारा साहिल अपने दामाद पर ही भारी पड़े और फिर होगा ऐसा कुछ। तेरी बेटी को धोखा दे रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर पापा धोखा दे रहा है तो शायद कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है आपके और मेरे बीच में लड़ाई करवाने के लिए। आपको तो पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आर्या से बहुत प्यार करता हूँ। आर्या का नाम मत ले धोखेबाज, तू मेरी बेटी को धोखा दे रहा है साले कमीने, चीट कर रहा है उसमें। साले बड़ा स्मार्ट बनता है, बड़ा स्मार्ट बनता है, बड़ा स्मार्ट बनता है। साहिल पापा मत बोल रहा मुझे, समझा?
गंदे नाली के कीड़े साले, हम साले धोखा दे रहा मेरी बेटी को, साले कमीने, धोखा दे रहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब होगी पत्नी कुल और अंधेरे में खेलूंगा मैं अपना सबसे बड़ा गेम, जिसमें फंसेगा बेचारा साहिल और वेदिका के साथ साथ पूरे परिवार की नजर। रुक, मैं लाइट का इंतजाम करके आता हूं फिर बताता हूं। प्लीज मेरी बात समझिए। वी लाइट को क्या हो गया? ये तो गुड्डू की आवाज है। गुड्डू कहाँ है तू? गुड्डू, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, पर अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है आर्या, बस तुम जल्दी आ जाओ। बस अपनी फ्लाइट की डिटेल्स दे दो, हम आ जाएंगे गुड्डू के साथ तुम्हें लेने के लिए। हाँ हम आपकी हेल्प करते हैं। जीजू, एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलिए ना। आप बुरा मत मानिएगा, क्या है ना, जब तक आप गौरी दीदी के साथ थे ना, तब तक हम आपको अच्छा इंसान नहीं समझते थे, पर आप इतने बुरे भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, माइंड ना करेगा, कमीने तो थे हम। गौरी के साथ हमने अच्छा सलूक नहीं किया, शायद बीवी और बच्ची को खो देने के बाद हमारी अकल ठिकाने पर आई है, मगर अभी हम सुधर गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना जीजू, वैसे थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की और हमारा ध्यान रखा। छोटी साली साहिबा, अपनों से क्या थैंक यू। दीपक, बड़ी अम्मा बुला रही है, जाना पड़ेगा। ये हमें दे दीजिए ना, हम रख लेंगे इसे। वारी श्रुति, ये तेरा अच्छा है, दूसरे के पति पर पंचा गड़ाए बिना चैन नहीं आता तुझे।
हमारा पति नहीं तो अब गौरी का एक्स पति से ही हाहा ही चल रही है। चलो अच्छा है, जितना दीपक से चिपकेगी उतना पुनीश जी पे डोरे नहीं डालेगी, चुड़ैल कहेगी।